आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के 5 मैच धर्मशाला स्टेडियम में खेले जाएंगे। 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कप का धर्मशाला में पहला मुकाबला बांग्लादेश अफगानिस्तान के बीच होगा। इसी के चलते बांग्लादेश की टीम मंगलवार को धर्मशाला पहुंची थी, आज अफगानिस्तान की टीम भी पहुंच जाएगी। इसी बीच खालिस्तानी आतंकी गुरबंतवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो बनाकर वायरल किया है, जिसमें खालिस्तानी समर्थक पन्नू धर्मशाला की दीवारों पर खालिस्तान जिंदाबाद के छापे लगाने की बात कहता सुनाई दे रहा है। हिमाचल इज नॉट इंडिया, हिमाचल बनेगा खालिस्तान। आज धर्मशाला विच खालिस्तान जिंदाबाद, एसएफजे जिंदाबाद दे छापे लगे है। प्रो खालिस्तान सिक्स हैव रीच्ड हिमाचल प्रदेश एंड विल स्टॉर्म धर्मशाला विद खालिस्तान फ्लैग्स। क्या नाम है आपका? अश्विनी कुमार। कहाँ रहते हैं? आई केस में जॉब करता हूँ। तो यहाँ खालिस्तान का जो लोगो लिखा है उस पर सर, वो तो हमें नहीं पता किसने लिखा हुआ, कब लिखा हुआ। हम तो अपनी ड्यूटी के अंदर होते हैं, कब लिख गया, कौन लिख गया, वो हमें मुझे भी पता नहीं। क्या यहाँ पुलिस आई? हाँ जी सर, आई थी पुलिस। क्या उन्होंने सर फोटो फोटो खींची, वो मेरे को पूछा उसने कि कौन था, किसने लिखा। मैंने सर मुझे नहीं पता, मैं तो हमको अंदर से ड्यूटी भी होते हैं। हमने किसने मिटाने का तो मेरे सामने किसी ने नहीं मिटाया, मुझे नहीं पता किसने मिटाया। हालांकि धर्मशाला में जल शक्ति विभाग की दीवार पर खालिस्तान लिखे नारों को मिटा दिया गया है। साथ ही पुलिस ने आज सुबह इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। लेकिन पन्नू का ये ऑडियो, जिसे वीडियो की शेप दी गई है, ऐसे समय में सामने आया है जब धर्मशाला में आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के मैच होने जा रहे हैं। ये पिछले कल रात को एक इन्फॉर्मेशन पुलिस के साथ साझा हुई थी, जिसमें कि एक गवर्नमेंट प्रमाइसिस में जो है खालिस्तान जिंदाबाद का जो ग्रेफिटी जो है वो मार्क मिला था, जिसमें पुलिस टीम द्वारा जो है इसका संज्ञान लिया गया और इस संबंध में पुलिस स्टेशन सदर में एक एफआईआर रजिस्टर हुआ और पुलिस की टीम्स जो हैं लोकल एरिया में एक्टिवेट कर दी गई हैं और जो भी लीड्स हमें मिल रही हैं उसको हम फर्दर फॉलो कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है जल्दी इसका पता जो है कम्प्लीटली जो है इसको क्रैक करें। देखिए, एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक ऑडियो वीडियो मैसेज भी एक वायरल हो रहा है, जिसमें स्पेसिफिकली वर्ल्ड कप जो मैचेस है उसको लेके कुछ जो है डिस्क्रिप्शंस हैं उस पर पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया है और क्योंकि धर्मशाला में अभी अपकमिंग मैचेस आने वाले हैं और इस संबंध में जो सुरक्षा की दृष्टि से जो और भी ज़्यादा हमें विजिल और सर्विलेंस करने की ज़रूरत है, उस दिशा में हमने अपनी टीम्स गठित कर ली और इस पे जो है वर्ल्ड कप को पूरी तरह सेफली करवाने के लिए कांगड़ा पुलिस तैयार है और मुझे उम्मीद है कि हम जो है हमें जो टास्क असाइंड है और जो है कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म में वर्ल्ड कप के मैचेस धर्मशाला में और उसको सक्सेसफुली और सेफली जो है कंक्लूड करें। कहीं ना कहीं ऐसे लेखन जो दीवार पे लिखना और उस वीडियो का सामने आना, आपको लगता है कि एक पहले से प्लान था क्योंकि हिमाचल को खालिस्तान बात भी कही गई खालिस्तान बनाने की? देखिए, प्लानिंग थी या किस तरह से कोई आया, ये जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन इस दिशा में बढ़ रही है कि कौन व्यक्ति हैं, कोई बाहर से आया या कोई ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये हमारे क्वेश्चंस रहेंगे और जैसे कि मैंने कहा एक एफआईआर इसमें रजिस्टर हुई है और हर एक पहलू पे पुलिस जांच करेगी और इसमें किस तरह से ये कोई ऑर्गेनाइज्ड वे में यहाँ पर किया गया है या कोई लोकल व्यक्तियों का कोई सहयोग है, तो वो सारे एंगल्स पे पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाएगी और जो भी हालात और जो भी सिचुएशंस इन्वेस्टिगेशन के दौरान और एविडेंसेस के तौर पे हमारे पास आएंगे उसको हम आपके माध्यम से शेयर भी करेंगे। बिल्कुल, एफआईआर रजिस्टर किया गया पुलिस स्टेशन सदर में और एक इन्वेस्टिगेशन टीम जो है इस पर जो है एक्टिवेटेड है, कल रात से एक्टिवेटेड है और एविडेंसेज हम कलेक्ट कर रहे हैं और जो भी लीड्स मिलेंगे उसको हम फर्दर प्रोसीड करके इसके कंक्लूजन तक हम जाएंगे।